नमस्ते, स्टडी लैब्स पे आपका स्वागत है। सुनील का हमने बर्नौली पे एक एक्सपेरिमेंट देखा था, जिसमें उसने पेन की रिफिल से बर्नौली का प्रयोग किया था। हम उसको थोड़े से बड़े लेवल पे करने वाले हैं। हमने मोती की जगह पे बॉल ले लिया है और पेन की रिफिल की जगह पे एक बड़ा सा वैक्यूम क्लीनर जो होता है, ब्लोअर होता है, वो ले लिया है। और अब हम क्या देखने वाले हैं कि इस पे जब हम हवा को निकालेंगे स्पीड में, तो बर्नौली की वजह से ये ऊपर तैरने लगेगी, गेंद इस तरीके से हवा में रहेगी। लेकिन वहां पे आपका ये प्रश्न हो सकता है, क्योंकि ये हवा ऊपर उसके ऊपर फोर्स लगा रही है और ग्रेविटी नीचे लगा रही है, उसकी वजह से रुकी हुई है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या बॉल रुकेगी एक जगह पे नहीं, और फिर देखते हैं कि कैसे बर्नौली लग रहा है हम ये इसमें लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले बॉल को इस पे लटका के देखते हैं। तो यहाँ पे तो हमें ये दिखा कि ये बॉल हवा में रुकी रहती है, गिरती नहीं है। लेकिन वहां पे आपका ये हो सकता है कि इसका फोर्स, हवा का फोर्स नीचे से और ग्रेविटी का फोर्स ऊपर से लग रहा है। तो ये तो फोर्स की बात हो गई, बर्नौली यहाँ पे कहां से आ गया। जब हम इसको टेढ़ा करेंगे और उसके बाद भी ये मेंटेन रहेगा, क्योंकि उसके बाद टेढ़ा करने पर उसका एक कंपोनेंट आता है, लेकिन उसके बाद भी अगर ये मेंटेन है। और दूसरी बात, बॉल घूमती है, जो हमने फनल वाले में भी देखा कल, ये बॉल घूम रही है। तो इसका मतलब कि वहां पे प्रेशर का कुछ काम आ रहा है, कुछ बर्नौली का काम आ रहा है। तो हम इसको टेढ़ा भी करके देखते हैं, पहले सीधा फिर टेढ़ा। तो ये बॉल बर्नौली की वजह से एक एंगल पर भी नहीं नीचे गिरेगी, रुकी रहेगी और घूमती रहेगी। आप चाहे तो इसको ब्लोअर से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ब्लोअर या इससे बड़ी गेंद है उससे भी कर सकते हैं ट्राई, या आप सुनील की तरह पेन की रिफिल से भी इसको ट्राई करके देख सकते हैं।